तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बढ़िया सा और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोलिक ट्रैक ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एट द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज थीटा बाई टू विथ हॉरिजेंटल। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो थीटा बाई टू है हॉरिजेंटल से। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि मान लो इसने कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, वो कितनी वेलोसिटी थी, यू वेलोसिटी ले लेते हैं, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम यू से प्रोजेक्ट किया था। तो अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाली यू कॉस थीटा इधर आएगा और वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है जो इसके परपेंडिकुलर है यू साइन थीटा इधर जाएगा। आई होप ये बात सबको पता होगा। तो यू कॉस थीटा इधर आएगा और यू साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर जाएगा यू कॉस थीटा के। तो मान लेते हैं कभी इस पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है वी, वो हॉरिजेंटल से कुछ थीटा डिग्री पर है। तो हॉरिजेंटल से कुछ थीटा डिग्री थीटा बाई टू पर है। तो ये जो एंगल है हॉरिजेंटल से, ठीक है, तो ये जो हॉरिजेंटल से ये एंगल थीटा बाई टू है। तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखोगे तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो वर्टिकल वाली लाइन तो ऐसे आ जाएगी, तो वर्टिकल वाली लाइन ऐसे आएगी और एम जी अपनी इसी वाली लाइन में लगेगी। एम जी विल एक्ट इन दिस लाइन। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखोगे, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखोगे तो यहाँ से ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ये है। ठीक है, दिस विल द सेंटर ऑफ दिस सर्कल और ये यहाँ पे। तो फोर्सेस देखो इस पार्टिकल पे तो भाई एक ही फोर्स लगेगा, वेट एम जी। तो ये जो है वो सेंटर वाली लाइन है। सेंटर वाली लाइन को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लाइन सेंटर वाली लाइन है। तो वेट जो एम जी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, ये एम जी इधर जाएगी। तो अगर ये थीटा बाई टू है तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो थीटा बाई टू होगा क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो यहाँ से एम जी का एक कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा भाई, एम जी का एक कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ जाएगा, वो होगा एम जी कॉस थीटा बाई टू जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा जो होगा एम जी साइन थीटा बाई टू। तो मज़ा आ गया रिजॉल्व करके। ठीक है चलो, तो यहाँ से रिजोल्यूशन हो गया। तो अब जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वही तो सेंट्रिपिटल देगा। और तो अगर मैं यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इस सर्कल का रेडियस आर है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा हो जाएगा इस पॉइंट की वेलोसिटी एम बी स्क्वायर ओवर आर। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, एम जी का एक कॉम्पोनेंट से, एम जी कॉस थीटा बाई टू। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला आ गया यहाँ से वो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा बाई टू अपॉन एम जी ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, तो एम ने एम को ख़त्म कर दिया, तो वी स्क्वायर ओवर जी कॉस थीटा बाई टू, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पर इस वाले सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है कि एक अननोन है वी। वी क्या है, एक अननोन है, एक अननोन है वी। तो अगर ये वी अननोन है तो इसको मैं निकालूंगा। तो देखो दूसरा इक्वेशन में दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ कि एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 होता है, तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बोलो, कांस्टेंट होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल के मस्ट बी इक्वल। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा। तो जो यू कॉस थीटा है वो किसके बराबर होगा, इस वेलोसिटी को भी मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान देना अच्छे से, इसको समझना। ये जो वेलोसिटी वी थी जो कि थीटा बाई टू भी थी, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा वी कॉस थीटा बाई टू, और एक वाई एक्सिस में जाएगा जो कि होगा वी साइन थीटा बाई टू। मैंने वी को रिजॉल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ से
जो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी थी यू कॉस थीटा, वो वी कॉस थीटा बाई टू के तो इक्वल ही आएगी ना भाई। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी यू कॉस थीटा, और डिवाइड कर दूँ कॉस थीटा बाई टू, तो ये वाली चीज़। तो ये जो चीज़ है यहाँ से ये वेलोसिटी अननोन मिल गया, इसको अपने इस इक्वेशन में रख दूंगा फर्स्ट वाले में, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट वाले में नीचे जी कॉस थीटा बाई टू था और ऊपर वी स्क्वायर था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे पहले से जमा पड़ा था कॉस थीटा बाई टू। तो फाइनली जो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड कर दूँ प्यारे बच्चों जी कॉस स्क्वायर कॉस की पावर क्यू थीटा बाई टू, ये कॉस की पावर थ्री आ जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी इज थीटा बाई टू विथ हॉरिजेंटल। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से फील आया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।